दोस्तों रोज डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, आज कुछ ज्ञान की बात कर ले तो इसलिए मैं वीडियो लेके आया ये। और दूसरा कारण था कि इस वीडियो के जरिए अपने फादर को थैंक यू बोलूँ मैं। और ना स्वार्थ के इस दुनिया में आपको एक धेला नहीं मिलने वाला किसी से। फादर आपको देता है विदाउट आरओआई जाने, उसको पता नहीं जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रिटर्न उसको मिलेगा भी या नहीं, फ्यूचर में जाके उसकी औलाद कैसी होगी उसको ये पता नहीं होता, उसके बाद भी वो हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फादर की अहमियत बहुत है हमारी लाइफ में, तो उनकी रेस्पेक्ट करिए, खास कर आज उन्हें जरूर विश करिएगा। देखिए होता क्या है, माँ आपको बहुत प्यार करती है, रीजन क्या है वो आपको पहले से जानती है, उन्होंने आपको आई इस दुनिया में आने से पहले से ही फील किया है, 9 महीने आपको कोख में रख के अंदर से जाना है आपको पूरा, तो उनका एक प्यार होना अलग चीज़ है। मगर जो बाप की कमी है, जब बाप से आप दूर रहते हो तब आपको समझ में आएगा। यही कारण है कि मेरे हर वीडियो में आपने सुना होगा कि मेरा रोल मॉडल, मेरे इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं, क्योंकि जो भी हूँ मैं आज, जिसकी जहाँ भी मैं बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, सब उन्हीं की देन है, मेरा कुछ भी नहीं। उन्होंने सही दिशा दिखाई, सही डायरेक्शन दिखाया और हर स्टेप पर उन्होंने हेल्प की, तब जाके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दिखाने जा रहा हूँ कुछ इंटरव्यूज क्लिप जिसके बारे में हमने आपसे जिक्र किया था। पूरे परिवार का सहयोग मिला है मुझे, उस टाइम भी मिला जब मैं 2 महीने फ्री में काम कर रहा था, मेरे पापा का, मेरी मम्मी का। आपके दोस्तों ने काफी साथ दिया होगा, घर में किसी का सपोर्ट मिला, मम्मी पापा या और किसी का घर में? फैमिली में तो सबका सपोर्ट मिला है, सबका, मम्मी का, पापा का, सबका सपोर्ट मिला। और जो मेरी बुक्स की जो क्रिटिक्स थी, जो मेरा एडिटिंग वगैरह करती थी, वो मेरी वाइफ करती थी, शैली तोमर, वो करती थी। और जैसे कि आपके जो मम्मी पापा हैं, उनका यही सपना था कि मतलब आपका राइटर बनना, या फिर उनका ये सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या फिर और कुछ बने? मतलब ऐसा होता है ना कि घर में? हाँ नहीं, पापा चाहते थे कि मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, फिर उस टाइम रिसेशन भी था, कुछ हालात भी ऐसे थे कि मैं डिजिटल मार्केटर बन गया, उसके बाद बुक लिखी, अब मैं राइटर भी हूँ, आप मुझे राइटर कह सकते हो और एक स्पीकर के तौर पे भी कह सकते हो। अभी मैं हाल ही में गया था ये FM 90.4 में, वहाँ मैं एज स्पीकर गया था, काफ़ी बड़े बड़े डिग्निटीज आए थे। हाँ, मेरे फादर से मिली है क्योंकि वो टीचर थे, तो काफ़ी मतलब बच्चों को पढ़ाना, उनको मतलब एकदम ऐसा स्किल्ड बना देना कि वो मार्केट में कुछ भी कर सकें, तो वहाँ से मिला। तो वही हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू भी अगर अगर कोई सीख जाता है तो जो मतलब पापा कहते थे वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो चाह रहे हैं हम, तो वही कर रहा हूँ। राइट, एक आखिरी सवाल उपेंद्र आपसे, क्योंकि मैं अपने तरीके सोच रहा हूँ, फिर मैंने उनको पढ़ाया, उनकी एक फीडबैक आता है कि ये रीडर पढ़ेगा इसको, तो उसको मतलब क्या रिस्पॉन्स रहेगा रीडर का पढ़ने का, वो किस तरह से लिखेगा, तो उसके उनके सुझाव पे हमने बदलाव किया, फिर फादर को भी दिखाया, फादर टीचर हैं तो जी दिखाया, तो मतलब घर में एक तरीके का प्रूफ रीड टाइप का हो गया कि कैसा क्या वो आप लिख रहे हैं वो लोग पढ़ेंगे भी या नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई भारत में, मम्मी पापा का है, मेरे पापा मेरे इंस्पायर हैं, रोल मॉडल हैं मेरे, और मम्मी की जो प्रार्थना है जो पूजा पाठ करती है, उनसे आज इस प्रोग्राम में। उपेंद्र मेरा दूसरे नंबर का बेटा है, और जिस स्कूल में ये पढ़ते थे वहाँ मैं खुद साइंस में पढ़ाता था और मैं उस स्कूल का हेडमास्टर भी था, तो जब कभी हाउस में कंपटीशन होते थे तो चाहे वो एक्सटर्नल पोलिस टीचर हो, चाहे ऐसे कंपटीशन हो, लिटरेरी कंपटीशन है, ऑलवेज ही स्टूड फर्स्ट। तभी मुझे पता चल गया कि जिस तरीके से बोलता है लिखता है तो आगे जाकर के कुछ न कुछ जरूर करेगा, और मैंने हमेशा कहा कि जिस तरीके से तुम कर रहे हो बढ़ते जाओगे आगे तो एक न एक दिन मुकाम तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि वो एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था, वैन ही वाज दिस फ्रेंड इन प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल, तो बहुत अच्छा था, और मुझे तभी से पता था कि एक न एक दिन समथिंग ये कुछ एक्स्ट्रा जरूर करेगा अपनी लाइफ में। और जब आजकल इसके इंटरव्यू हो रहे हैं मैगजीन्स में, इसके बारे में लिखा जाता है और इसको फर्स्ट इंडियन राइटर का टैग भी मिला है, तो ये सुन करके, ये सोच करके बहुत प्राउड फील होता है कि एक